पाई चार्ट, स्वयं प्रयत्न करें। यह पाई चार्ट प्रत्येक महाद्वीप में विश्व जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। वर्तमान विश्व जनसंख्या 7 बिलियन है। कितने लोग अफ्रीका में रहते हैं? 15% गुने 7 बिलियन बराबर 1.05 बिलियन। कितने लोग एशिया में नहीं रहते हैं? 100% घटाओ 60.4% गुने 7 बिलियन बराबर 277.2 बिलियन। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कितने लोग रहते हैं? 7.3% घटाओ 6% गुने 7 मिलियन बराबर 91 मिलियन। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल 134 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। निम्न पाई चार्ट प्रत्येक महाद्वीप का प्रतिशत दर्शाता है। एशिया का क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है 44.488 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यूरोप का क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है 10.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका यूरोप से कितना बड़ा है? उत्तर है 19.832 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह पाई चार्ट सुमन द्वारा प्रत्येक दिन विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत समय की मात्रा को दर्शाता है। पाई चार्ट पर उसके द्वारा खेल में व्यतीत किए गए समय के लिए त्रिज्यीय खंड का कोण क्या है? हल: पाई चार्ट पर सुमन द्वारा खेल में व्यतीत किए समय के लिए त्रिज्यीय खंड का कोण है 360 डिग्री का 14% बराबर 50.4 डिग्री। यह पाई चार्ट सुमन के घरेलू व्यय को दर्शाता है। परिवार की आमदनी का कितना प्रतिशत बिजली पर व्यय होता है? बिजली को दिखाने वाला कोण बराबर 40 डिग्री। तो इस प्रकार बिजली पर प्रतिशत व्यय बराबर 11.1%। प्रत्येक के लिए सही उत्तर को चुनिए। मिस्टर बॉन्ड की मासिक आमदनी 2,400 रुपए है और उनका किराए पर मासिक व्यय 250 है। पाई चार्ट पर किराए कितने व्यय को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण होगा? उत्तर है 37.1/2 डिग्री। एक स्थान पर रहने वाले लोगों में 35% सिख है, तो सिख समुदाय के लोगों को व्यक्त करने वाले त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण होगा 126 डिग्री। 1,650 विद्यार्थियों में विभिन्न समकाय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाले इस पाई चार्ट में कला विद्यार्थियों के लिए त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण 48 डिग्री है। कला समकाय को विकल्प के रूप में चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? उत्तर है 220। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाने वाली पाई चार्ट में उपन्यास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण 81 है। उपन्यास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? उत्तर है 22.5%।